इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ चुके हैं, आपको यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट का नेम मेंशन कर देना है, जो भी आपके दसवीं मार्कशीट में नेम है आपका, वही आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर जेंडर, मैरिड स्टेटस बताना होगा, सिंगल या मैरिड जो भी आप हो वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी बतानी होगी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद से अगर आप हैंडीकैप है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। कहने की बात ये है आपको यहाँ पर केवल इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल करना होगा। इसरो रिक्रूटमेंट 2022 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो इसरो की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से यहाँ पर नई वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी कोने से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पर ऑल इंडिया वैकेंसी दी गई है, महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, 526 वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। कौन कौन सी पोस्ट रहेगी उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, यानी कि बात है आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी इस भर्ती से रिलेटेड आपको यहाँ पर दी गई है, तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखेगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको फर्स्ट कमेंट पिन कर दिया गया है। जो भर्ती का रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसरो की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ, यानी कि इसरो की ओर से यहाँ पर भर्ती चलने वाली है। आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, 526 वैकेंसी दी गई है। टोटल जो पोस्ट नेम रहेगा आपको जहाँ पर वैकेंसी मिलेगी, टोटल आपको यहाँ पर चार प्रकार की वैकेंसी दी गई है। असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए रहेगी, अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। जो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसी रहेगी, यानी कौन सी वैकेंसी के लिए कितनी वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर बताई गई है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। असिस्टेंट यूडीसी के लिए 358 वैकेंसी होगी और जूनियर पर्सनल जो असिस्टेंट की वैकेंसी होगी उनके लिए आपको यहाँ पर 168 वैकेंसी आपको यहाँ पर टोटल दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा, ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हो के नहीं अप्लाई तो भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं, महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जो भी लोकेशन एग्जाम सेंटर जॉब करेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है 25,500 लेकर 80,100 रुपये पर मंथ तक आपको वेतन दिया जाएगा, यानी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी भी मिल जाएगी। आपको जो हमारा एप्लीकेशन फीस होगा यूआर जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये रहेगा और SC ST फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे। और आपको ये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड से, आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करनी होगी, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर बैंक चालान द्वारा या आप इनको पे भी कर पाएंगे। आपको यहाँ पर एज लिमिट होना चाहिए 18 से 28, ओबीसी वालों के लिए 18 से 31, SC ST कैंडिडेट के लिए 18 से 33। जज काउंट की जाएगी 9 जनवरी तक की जाएगी, यानी कि 9 जनवरी को आपकी एज ने 18 से कम हो या 28 से ज़्यादा हो, यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है, SC ST वालों 5 की दी गई है, OBC वालों को यहाँ पर 3 छूट भी आपको दी गई है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती में फिजिकल डिटेल यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी, कोई हाइट, कोई वेट, कोई दौड़ भी आपके इस भर्ती में नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई रनिंग टेस्ट भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। अगर आप इस भर्ती के निम्न जानकारी लेना चाहते हैं आपको यहाँ पर क्लिक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको निम्न जानकारी प्रोवाइड की गई है। ऑनलाइन मोड से आवेदन करने के लिए आपके पास इन डॉक्यूमेंट की जानकारी भी होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर कोई और आईडी नहीं दे सकते, यानी कि आधार कार्ड का होना भी बेहद जरूरी है। इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, यानी कि जिन डॉक्यूमेंट्स आप आवेदन करेंगे अगर उनमें से कोई डॉक्यूमेंट गलत या फेक होता है तो आपको वहीं के वहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपका रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सबसे लास्ट में फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। अगर हम इस भर्ती का एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा कुछ भी किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको वीडियो के एंड में बता दूं कौन सी वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना
अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस भर्ती की जो इम्पोर्टेंट डेट रहेगी आवेदन करने के लिए 20 दिसंबर से यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 9 जनवरी तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। जो फीस सबमिट की लास्ट डेट रहेगी 11 जनवरी रहने वाली है। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा, अप्लाई ऑनलाइन आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सामने इस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर सबसे पहले इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड की गई है, क्या इस भर्ती का नोटिफिकेशन रहेगा, क्या आपका इस भर्ती का एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे राइट में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर जहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर लिखा हुआ है हेड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सामने ओके करना होगा। ओके करने के बाद आपके सामने फिर से नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप यहां पर भी चेक कर पाएंगे, इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट है और आपको यहां पर सभी महत्वपूर्ण लिंक प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपको यहां पर सबसे पहले अपना फॉर्म सबमिट करना होगा, उसके बाद से आपको प्रिंट निकालना है, पेमेंट करना है, पेमेंट स्टेटस भी आप यहां पर चेक कर पाएंगे और आपको यहां पर इसके बाद से रिटर्न एग्जाम का सेंटर भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। जोन सी वैकेंसी के लिए भी आपको आवेदन करना है, उसी पर आपको क्लिक करना है। मान लीजिए आपको यहाँ पर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी के लिए आवेदन करना है तो उसी पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट का नेम फिल करना है, आपको यहाँ पर जेंडर बताना है, मेरिट स्टेटस बताना है, कैटेगरी बतानी है, कहने की बात ही आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। आप यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो भी चेक कर पाएंगे। इस भर्ती फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन भी आपके सामने आ जाएगा, जो कि यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया। आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। एक बार आपको यहाँ पर रीड करना होगा आवेदन करने से पहले। वैसे आपको सभी की सभी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर मेंशन की गई है। जय हिंद, वंदे मातरम।